द गोट लाइफ नजीब मोहम्मद कफील एयरपोर्ट से अगवा। दोस्तों, नजीब मोहम्मद भाई की जो स्टोरी है द गोट लाइफ, उसकी कहानी और एक मैं आपको बता रहा हूँ इसमें, ठीक है। पूरा वीडियो एंड तक देखो। ये कहानी आपको द गोट लाइफ फिल्म में बिल्कुल नहीं मिलेगी कि किस तरह से सऊदी के लोगों ने नजीब मोहम्मद का हेल्प किया था, ठीक है। एंड तक वीडियो देखो और मैं आपको स्क्रीनशॉट बताऊंगा एक वीडियो का। अगर आपको अरबी आती है तो आप वो जाकर के यूट्यूब में वीडियो देखिएगा और आपको स्टोरी पूरी समझ में आ जाएगी, पूरा अरबिक में, ठीक है ना। 2021 में वो वीडियो बना करके डाला गया था। तो चलिए दोस्तों, जैसे नजीब मोहम्मद साहब जो सऊदी अरब आए थे, जब वो हिंदू थे, मुसलमान नहीं थे, ठीक है, मुसलमान नहीं थे, याद रखो। जैसे वो एयरपोर्ट आए, एयरपोर्ट से उनको एक कफील ने उठा लिया, एक सऊदी शख्स ने उठा लिया, अपनी गाड़ी में बिठाया, सिटी से 500 किलोमीटर दूर ले जा करके, और उनका जो दीरा था, दीरा यानी कि गांव को दीरा बोलते हैं, गांव से 40 किलोमीटर अंदर डेसर्ट में बकरियों के झुंड में ले जा करके छोड़ दिया। अब वहां पर नजीब मोहम्मद साहब ने जो है बहुत कोशिश किया वहां से निकलने करने की, वो निकल नहीं सके, ना उनको कोई सैलरी मिलता था, ठीक है। वहां सिर्फ बकरी मजरा भी नहीं, सिर्फ वो जो मेंढी होता है वो, और एक पानी का टैंकर और खेमा, वहीं पर ही रहना है, ठीक है। और ये जो शख्स थे, ये ले जाके छोड़ने के बाद उसको वहां छोड़ दिया, ये चले गए अपने दीरा, अपने गांव। अब इसी तरह से 5 साल गुजर गया। 5 साल गुजरने के बाद में अब नजीब मोहम्मद पैसों की तलब किया था कि मेरी सैलरी, मेरे को पैसा चाहिए, मेरे को घर भेजना है, क्योंकि मिस्कीन आदमी, गरीब आदमी है, पैसा कमाने के लिए आया था सऊदी अरब, ठीक है। तो कफील ने मना कर दिया। तो किसी तरह से दोनों में लपड़ झपड़ हुआ, उसमें नजीब मोहम्मद से कफील का कत्ल हो गया। सऊदी अरब में जब लड़ाई झगड़े में कत्ल होता है तो उसकी सजा कत्ल की कत्ल नहीं होती है, क्योंकि सेल्फ डिफेंस में जो कत्ल होता है उसमें हदिया देना पड़ता है, दियत देना पड़ता है, जो कि अब अगले वाला जो मांग करेंगे वो देना जरूरी है। आगे सुनिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है भाई ये द गोट लाइफ फिल्म में आपको बिल्कुल नहीं दिखाई गई है, और सऊदी लोगों ने बड़े अच्छे से हेल्प किया। तो भैया कत्ल हो गया, तो अब वो नजीब मोहम्मद या वहां से भागे, या जो कफील थे उनके जो औलाद बच्चे आकर के इनको पुलिस के हवाले किया नजीब मोहम्मद को, ठीक है। उसके बाद में 5 साल ऑलरेडी इन्होंने कफील के साथ गुजार दिया था। जैसे पुलिस ने उसको अरेस्ट किया नजीब मोहम्मद को, गांव वालों ने चर्चा चालू किया, गांव वालों ने उसके बारे में बोलना चालू किया। उसके बाद अदालत में इनके बच्चों को बुलाया गया, तो अदालत यानी गांव की अदालत कैसी होती है आपको पता है, एक मजलिस होती है, मजलिस में बात होती है, ठीक है। तो इनके बच्चों ने जो है 1,70,000 रियाल दियत मांगी, 1,70,000 रियाल, ये पे करो हम इनको भेज देंगे, माफ कर देंगे, ठीक है। 1,70,000 रियाल के लिए सऊदी लोगों ने माना, भाई वो गरीब कहां से मानेगा, उसके पास तो कुछ नहीं है, वो कहां से दे सकता है। जो सऊदी लोग थे इनके सपोर्ट में नजीब मोहम्मद के, उन्होंने 1,70,000 रियाल देने का वादा कर लिया, ठीक है। अब इन्होंने जो सऊदी लोग थे वो जुम्मा के दिन जुम्मा मस्जिद में बयान करते गए कि एक गरीब आदमी इस तरह से फंसा हुआ है, उसको 1,70,000 रियाल की जरूरत है। उस टाइम ना फोन था ना क्या था, बस बयानों में बोल बोल के किसी तरह से 1,70,000 रियाल इन्होंने जमा कर लिए। ये होने तक 5 साल इसके ऑलरेडी गुजर रहे, टाइम गुजर रहा है, 5 साल वहां हो गए, 5 साल जेल में हो गए, ठीक है। तो 1,70,000 रियाल जमा हो गए। उसके बाद जो बड़े बड़े लोग थे उन्होंने 1,70,000 रियाल लिया, कोर्ट में गए, कोर्ट यानी मजलिस में गए, जाने के बाद में उनके बच्चों को बुलाया गया। तो उनके बच्चों को ये रकम देने से पहले ये बताया गया कि तुम्हारे बाप ने ये हरकत की थी कि इसका 5 साल साथ में रख के खपा दिया और 5 साल जेल में खपा दिया, ये तुम्हारी बाप की वजह से, ना इसको सैलरी दिया ना कुछ दिया, हमको अल्लाह के सामने मुंह बताना है, अल्लाह को जवाब देना है। पता नहीं अल्लाह ने उनके औलाद को हिदायत दिया, अल्लाह ने हिदायत दिया, तो उन्होंने क्या किया मालूम है आपको, जिसका बाप कत्ल हुआ, जो इनको अगवा, ये नजीब मोहम्मद भाई को जो अगवा करके ले गए थे, उनके जो बच्चे थे उन्होंने माफ कर दिया। क्या माफ किया? नजीब मोहम्मद भाई साहब को माफ किया। दूसरी बात, 1,70,000 रियाल नजीब मोहम्मद भाई को देने का बोल दिया कि ये पैसा उनको दे दो, जो भी खर्चा इनका लगता है फाइनल एग्जिट के लिए वो सब लगाओ और उनको इंडिया भेज डालो। तो भाई यहाँ पर सपोर्ट किसने किया? अगर वो सऊदी लोग अगर सपोर्ट नहीं करते, ये 1,70,000 रियाल वो कहां से लाके देता, जबकि ना फोन था, फोन तो बात नहीं कर सकते थे, हाँ
तो किसी तरह से नजीब मोहम्मद भाई को जो है माफ किया गया। उसके बाद नजीब मोहम्मद भाई साहब ने सवाल किया कि मैंने कत्ल किया तो ये लोग मुझे माफ क्यों कर रहे हैं और ये लोग मुझे ये 170,000 रियाल क्यों दे रहे हैं, वजह क्या है। तो जो बड़े लोग थे उन्होंने बताया कि मुसलमान है। तो क्या वो मुसलमान नहीं था जो मेरे को एयरपोर्ट से लेके आया करके नजीब मोहम्मद ने सवाल किया कि वो मुसलमान नहीं था। तो जो बड़े लोग थे उन्होंने बताया कि वो मुसलमान था लेकिन हम में से नहीं था, हम में से नहीं था। देखो आप लोगों को मैं स्क्रीनशॉट बता दूंगा, टाइटल आप देख लो, ठीक है। उसके बाद आप जाकर के यूट्यूब में सर्च करो, अगर आपको अरबी आती है समझ में तो आप यूट्यूब पे आप वीडियो देख सकते हैं। टाइटल में भी यही लिखा गया है, एयरपोर्ट से अगवा किया ले जाके बकरियों में डाल दिया, अरबी के 2021 में जो है वीडियो बना करके यूट्यूब में चढ़ाया गया है, ठीक है। नजीब मोहम्मद जो सवाल किया उसके बाद बड़े लोगों ने जो जवाब दिया उसके बाद नजीब मोहम्मद साहब ने बोला कि मुझे मेरा नाम बदलना है, यानी कि इस्लाम में आना है, इस्लाम में आना है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर। तो नजीब मोहम्मद भाई साहब ने इस्लाम कबूल किया, उसके बाद सऊदी अरब से अपने घर को रवाना हो गए। ये असल स्टोरी है।